हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग किसी गिवन बाइनरी नंबर को उसके वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे। सो जैसा आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि अगर हम एक कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं तो ये दो तरह का फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है। एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है जो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता हो, और एक ऐसा हो सकता है जो कि कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता हो, बल्कि किसी गिवन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए केवल यूज किया जाता है। सो, जो आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा होता था, हम उसको कहते थे या तो मिली मशीन या तो मूर मशीन। तो आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले फाइनाइट ऑटोमेटा को हम ये भी कह सकते थे कि दीज आर वर्किंग लाइक द ट्रांसड्यूसर्स, जिसमें कि कुछ इनपुट देने पे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से जो ट्यूरिंग मशीन हम यहाँ पे डिजाइन करने जा रहे हैं, उसमें हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करेंगे, लेट्स से एक बाइनरी नंबर, एंड इट विल प्रोड्यूस सम आउटपुट, मींस द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। सो इस केस में ये जो ट्यूरिंग मशीन है, दैट विल बी वर्किंग लाइक द ट्रांसड्यूसर। तो आइए हम एक छोटी सी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं। नाउ एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, लाइक 10100 एंड 101, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, लेट्स से हमने दो जीरोज और लगा दिए लास्ट में, इसको अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, सो दिस विल बी ए वेरी सिंपल प्रोसेस। मान लेते हैं कि ये जो पूरा इनपुट है वो मेरा एक टेप पे रखा हुआ है, और टेप के बिगिनिंग और एंड में ब्लैंक्स हैं, तो जितने भी वंस हैं हम उनको जीरोज में कन्वर्ट कर देंगे, जितने भी जीरोज हैं हम उनको वंस में कन्वर्ट कर देंगे। सो ऑल वंस विल बी कन्वर्टेड टू जीरोज एंड ऑल जीरोज विल बी कन्वर्टेड टू वंस, एंड वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द राइट इन द टेप, एंड जैसे ही मुझे ब्लैंक मिलेगा राइट की तरफ, हम कहेंगे कि हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, जिसमें हमने क्यू जीरो स्टेट लिया, और इसमें टेप में अगर मुझे जीरो मिला तो मैंने इसको वन में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ मूव किया। फिर इसके बाद वन मिला तो मैंने इसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ मूव किया। तो इस तरह से जब मैं सारे कन्वर्जन्स कर लूँगा तो मुझे एक ब्लैंक दिखेगा, उसको मैं ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट में आऊँगा, क्योंकि आपको जो इनपुट गिवन था ये गिवन था 10100 10100, और आपने इसका भी जब कन्वर्जन कर दिया है तो आपका जो पॉइंटर है वो एंड में है, तो पॉइंटर हमारा यहाँ पे है। तो जब आपको इनपुट दिया गया था तो पॉइंटर यहाँ पे था टेप का, अभी आउटपुट के समय ये पॉइंटर लास्ट में है, तो आपको क्या करना होगा कि इस पॉइंटर को बिगिनिंग में लाना होगा। इस पॉइंटर को बिगिनिंग में लाने के लिए जब मैंने सारे कन्वर्जन्स कर लिए हैं, लास्ट में ब्लैंक मिला था, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और जितने भी जीरोज हैं उनको जीरो छोड़ के लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जितने भी वंस हैं उसको वन छोड़ के लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। लेफ्ट 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 हमें मूव करते रहना है, और तब तक मूव करना है जब तक कि हम ब्लैंक पे ना पहुंच जाए। जैसे आपको ब्लैंक दिखे उसको ब्लैंक छोड़ के राइट की तरफ मूव कर जाइएगा, जो कि पहला डिजिट होगा जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, आपके नंबर का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है आपके गिवन बाइनरी नंबर का। तो ये जो Q2 स्टेट है दैट विल बी द फाइनल स्टेट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि Q2 स्टेट में पहुंचते पहुंचते आपके पास इनपुट टेप पे एक वंस कॉम्प्लीमेंट इक्विवेलेंट है गिवन बाइनरी नंबर का। सो दिस इज द कन्वर्जन, हाउ डू वी डू द कन्वर्जन्स ऑफ द इनपुट गिवन बाइनरी नंबर टू द वंस कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।